नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरीडे लाइफ लाइन में। इस कोरोना महामारी के दौरान भी कुछ अच्छी खबरें निकल कर आ रही है। सरायगढ़ से राघोपुर तक ट्रायल ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रविवार को पटरियों पर दौड़ी। पटरी पर अधिकतम कितनी रफ्तार तक ट्रेन चलाई जा सकती है, इसका आकलन ट्रायल करके देखा गया। वहीं इस ट्रायल में डिप्टी चीफ इंजीनियर निर्माण संजय कुमार की निगरानी में ट्रायल सफल रहा। ट्रायल के दौरान ट्रेन ने सरायगढ़ से राघोपुर 11 किलोमीटर रेलखंड की दूरी मात्र 11 मिनट में पूरी की। स्पीड ट्रायल दोनों तरफ से ट्रेन चलाकर पूरा किया गया। इसके साथ ही अब सहरसा से लेकर राघोपुर तक ट्रेन चलाने का रास्ता साफ हो गया है। बस अब इस रेलखंड को CRS ट्रायल का इंतजार है, जो कि कुछ दिनों में ही पूरा हो जाएगा ऐसा प्रतीत हो रहा है। CRS निरीक्षण के बाद रेलखंड में ट्रेन परिचालन शुरू करने की हरी झंडी दे देंगे। वहीं CRS के रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे बोर्ड इन परिचालन शुरू करने की तिथि घोषित करेगी। फिलहाल स्पीड ट्रायल के सफल होने के बाद यह साफ हो गया है कि सहरसा को राघोपुर से जोड़ने वाली रेलखंड ट्रेन चलाने के लिए तैयार हो गया है। बता दें कि राघोपुर रेलखंड पर ट्रेन परिचालन शुरू होने का 5 साल से कोसी वासियों को काफ़ी लंबा इंतजार रहा है। ट्रायल के लिए ट्रेन लेकर सहरसा से चालक गए थे। सहरायगढ़ राघोपुर मीटर गेज को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने का काम मात्र 7 महीने में पूरा हुआ है। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण ब्रजेश कुमार की मॉनिटरिंग और डिप्टी चीफ इंजीनियर संजय कुमार की निगरानी में इसी साल जनवरी में ब्रॉडगेज में परिवर्तित करने का काम शुरू हो गया था। आपको बता दें कि अगस्त महीने में ही इस काम का पूरा हो जाना कोसी साथ ही सीमांचल वासियों के लिए काफ़ी हर्ष का बात है। वहीं आप देख पा रहे होंगे कि राघोपुर स्टेशन के पास लगातार निर्माण कार्य जोरों पर है। लगातार रेलवे के ट्रायल को देखने के लिए आप लोगों का जमावड़ा देख सकते हैं, किस प्रकार से लोगों में काफ़ी प्रसन्नता देखी जा रही है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, राघोपुर सरायगढ़ का लेटेस्ट अपडेट। तो इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।